हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं यमहा शिव शक्ति मोटो जो कि हमारे गिरिडीह में है, और आज हम करेंगे R15S का रिव्यू जो रिसेंटली इंडिया में लॉन्च की गई है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं बाइक को। सो गाइस, हमारे सामने अभी है R15S जो कि ब्लू कलर में प्रेजेंट है हमारे सामने। तो इसमें कुछ मेजर अपडेट भी है, पीछे आप देख पा रहे होंगे R15 है, V3। तो बात करते हैं पहले इसके इंजन के। तो ये सेम वही R15 वाला इंजन है, कुछ भी चेंजेस ऐसा कुछ मिला नहीं है इसको अभी तक। आपको इंडिकेटर बल्ब मिल वाला मिलता है नॉर्मल सा, जो कि सेम आपको R15 में देखने को मिलता है। तो यहाँ आपको वीवीए का बैजिंग देखने को मिल जाएगा। टैंक कैपेसिटी की बात करें तो सेम आपको R15 वाला टैंक मिलता है 11 लीटर्स का। मेजर जो अपडेट किया गया है इस बाइक में वो है इसका राइडर सीट, जो कि आप देख सकते हैं फ्लैट है और थोड़ा कंफर्टेबल करने का कोशिश किया गया है राइडर के लिए। तो इसके फ्रंट प्रोफाइल और लाइट्स की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं R15 वाला ही सेम इसमें भी यूज़ किया गया है, सेम कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ किया गया है। आपको LED किनारे किनारे देखने को मिलता है और जो मेन लाइट है वो बीच में है। तो एक बार आप एग्जॉस्ट नोट भी सुन लीजिए और देख लीजिए कि लाइटिंग भी कैसा आपको देखने को मिलता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेम जो R15 में जो था सेम इसमें भी वही चीज़ शेयर किया गया है। और तो गाइस, अब बात करते हैं इसके फ्रंट डिस्क के बारे में। तो वही आपको 282 mm का डिस्क मिलता है जो कि डुअल चैनल ABS के साथ प्रेजेंट है। आपको रेडिएटर ग्रिल सामने देखने को मिलता है, R15S की बैजिंग, ABS की बैजिंग और VVA की बैजिंग भी इधर आपको देखने को मिल जाती है। रियर डिस्क की बात करें तो ये 220 mm की रियर डिस्क है। और ओवरऑल बाइक आप देख सकते हैं कैसा है, सीट एकदम फ्लैट कर दिया गया है। तो गाइस, अब चलते हैं सीटिंग पोस्चर की तरफ। तो हम बाइक में बैठ चुके हैं और आप देख पा रहे होंगे सेम R15 वाला पोस्चर इसमें भी आपको मिलता है, एग्रेसिव वाला। और साथ ही हम पिलियन को भी बैठा करके आपको एक बार दिखा देंगे। तो आप देख सकते हैं पिलियन मेरे पीछे आ चुका है और पीछे का सीट सेम आपको R15 वाला ही देखने को मिलता है, कोई भी पैडिंग उसमें यूज़ नहीं किया गया है। तो पिलियन का सीट सेम जो आपको R15 में देखने को मिलता है, सेम कंफर्ट इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस, चलते हैं अब नेक्स्ट चेंजेस की तरफ, जो कि है इसका पिलियन फुटरेस्ट। इसको चेंज करके कंपनी इसमें अब एल्यूमिनियम का फुटरेस्ट डाल दी है, जो कि इंटरनेशनल मॉडल में हमें देखने को मिलता है। टायर साइज़ में कोई भी बदलाव किया गया नहीं है। आपको जो R15 में देखने को मिलता था सेम आपको R15S में भी देखने को मिल रहा है। तो गाइस, जो नेक्स्ट चेंज है वो है इसका अलॉय व्हील। आपको इसमें ब्लैक अलॉय व्हील देखने को मिलता है, जो कि R15 V3 में आपको ब्लू अलॉय व्हील देखने को मिलता था। तो गाइस, यही है कुछ मेजर अपडेट्स जो R15S को देखने को मिलता है। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल को।